होटल पीएमएस के पांचवें वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बनाए गए हैं स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए और स्मॉल होटल ओनर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए, जिन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस होती है। तो मैं ऑलरेडी चार वीडियोस बना चुका हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए और फिर जब आप यहां पर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो से। तो अभी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पीएमएस में मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे आप अभी देख पा रहे होंगे, मैं इसको अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पट्टी सी है ना, ये पट्टी है और ये दिख रहा है मालगाड़ी के डिब्बों की तरह। तो पहले एक वीडियो देखते हैं, वो खान सर का वीडियो है यूट्यूब पर, और फिर हम वापस इधर आएंगे समझने के लिए कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे वीडियो, ये खान सर का। यहाँ पे एक सबमरी के तौर पे देखेंगे, ये वाला कौन सा है भाई? तो ये NMG है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन। ये क्या है? तो फ्लैट वैगन है, BRN। इसको देखेंगे तो ये कंटेनर के लिए है, BLC। ये पेट्रोल टैंक के लिए है, BTPN। ये वाला बैलेस्ट या कोयला गिराने के लिए, हुपर कहिए या BOB कहिए। और ये कवर है इसलिए BCN, और ये ऊपर से खुला इसलिए BOXN। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। तो अभी इस वीडियो में आपने जो देखा कि अलग अलग प्रकार के जो वैगन्स होते हैं रेलवे में, उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये सब के सब मालगाड़ी में इस्तेमाल होती हैं, गुड्स वैगन में, गुड्स ट्रेन में इस्तेमाल होती हैं। तो मॉड्यूल का गुड्स ट्रेन के इन वैगन से, बोगी से, डिब्बों से क्या कनेक्शन है? तो जो अलग अलग प्रकार के वैगन्स थे वो अलग अलग चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैरी करती हैं। तो सब कैरी करने के लिए हैं मगर सबका पर्पस अलग अलग है। तो वैसे ही ये जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर सूट है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड हैं और वही आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं। मैं एक बार फिर से इसको लॉगिन करता हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखा सकूँ। तो ये सब जो आप बॉक्स देख रहे हो मालगाड़ी के डिब्बों की तरह, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसका काम होता है होटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशंस को हैंडल करने में मदद करना। तो फिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है मॉड्यूल्स? तो पहली बात तो हम समझ लें कि ये सब के सब मॉड्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। मतलब इन्हें अपना काम करने के लिए किसी और मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली बात। फिर दूसरी बात कि ये सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कंबाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, और जो होटल है या प्रॉपर्टी का ऑपरेटर है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन सकता है कि कौन सा मॉड्यूल उसके सॉफ्टवेयर में काम करेगा और कौन सा बंद रहेगा, और उसका पेमेंट भी उसी हिसाब से उसे करना पड़ेगा। अगर आप सारे मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे तो आपका पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर आप कम मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे तो आपका पेमेंट कम होगा ऑब्वियसली। तो मान लीजिए कोई सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर है और उसको अगर अपना बिलिंग का हिसाब किताब रखना है तो वो सिर्फ ये POS का मॉड्यूल ओपन कर सकता है, खरीद सकता है, और इधर में एक F&B कॉस्टिंग वाला मॉड्यूल खरीद सकता है, और इस दो से वो अपना काम आसानी से कर पाएगा। तो ये है मॉड्यूल्स इन PMS। और अब हम जरा लास्ट में समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रकार से ये PMS डिज़ाइन क्यों किया गया है, इसको ऐसा क्यों बनाया गया है। तो इसका पहला आंसर है कि इसमें एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप पॉइंट ऑफ सेल में बिलिंग करेंगे और उसमें अगर आप किसी गेस्ट का रूम नंबर एंटर करेंगे
तो वो उस गेस्ट के फोलियो में अपने आप एंटर हो जाता है और उसको फिर बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। तो पहला काम हो गया कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल डेटा ट्रांसफर होता है। और जो दूसरा पॉइंट है कि मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच में एक एक्सेस कंट्रोल होता है, मतलब फ्रंट ऑफिस वाला जिसका ऑथोराइजेशन है फ्रंट ऑफिस मॉड्यूल को चलाने के लिए, वो POS मॉड्यूल ओपन नहीं कर सकता, वहां जाके कोई चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। फिर जो तीसरी बात है स्टूडेंट्स, कि इसमें मान लीजिए एक ही मॉड्यूल है, मगर चूंकि ये एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो ये सब उस मॉड्यूल में जब आते हैं तो वो सब अलग अलग यूजर के तौर पे उस पर रजिस्टर्ड होते हैं। और उन्हें उसमें, जैसे अब मैंने आपको भी दिखाया था, मैंने यूजर चेंज किया था यहाँ पर इस जगह से, चेंज यूजर। तो जो यूजर होता है उसको अपना यूजर नेम आइडेंटिफाई करना होता है और वो अपना पासवर्ड खुद सेट करता है जो सीक्रेट होता है, और ऑफ कोर्स उस पासवर्ड को किसी को शेयर नहीं करना होता, बताना नहीं होता। तो अगर मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करके इस किसी मॉड्यूल में कोई काम कर रहा हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। अब ज्यादातर सॉफ्टवेयर में, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल कमर्शियली होता है, उसमें एक व्यवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं एक्शन लिस्ट। तो मान लीजिए मेरा नाम प्रवीण झा है और मैंने लॉगिन कर रखा है फ्रंट ऑफिस वाले मॉड्यूल में, और मैं मान लीजिए बुकिंग कर रहा हूँ, रिजर्वेशन में जाके बुकिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो सारे काम करूँगा, मैं जो डेटा एंटर करूँगा, वो मेरे एक्शन लिस्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मैं उस डेटा को मॉडिफाई करूँगा तो वो फिर सेकेंड एक्शन लिस्ट हो जाएगी। अगर मैं उस डेटा को डिलीट कर देता हूँ तो वो तीसरी एक्शन हो जाएगी। तो मेरे अकाउंट से, मेरे लॉगिन से मैं जो सारे काम करूँगा वो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। और अगर मैंने कोई गलती की है या अगर मैंने कोई फ्रॉड किया है तो फिर वहाँ से वो सबूत रहता है कि मैंने ये काम किया है और मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से PMS के अंदर फ्रॉड और क्राइम को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने के लिए आप सोचिए कि अगर ये PMS ना हो और आप पेन पेपर का इस्तेमाल करके डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहां पर अगर कोई आपका आके रजिस्टर को गायब कर दे, रजिस्टर में आग लगा दे, उस पर पानी गिरा दे, डैमेज कर दे, पन्ने फाड़ ले, और वहां पे कैमरा ना हो, कोई विटनेस ना हो, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये क्राइम किसने किया। और इस प्रकार आपका बिजनेस हमेशा एक ग्रेट रिस्क पर होता है। तो अगर आप PMS यूज करते हैं तो उसमें जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए लॉगिन करना ही पड़ेगा मॉड्यूल के थ्रू और अपने अकाउंट के थ्रू, और मैं जो कुछ भी हरकतें करूंगा, एक्टिविटीज करूंगा, वो सब की सब रिकॉर्डेड होती हैं, जिसको इस सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जो होटल के जनरल मैनेजर साहब होते हैं वो कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, और जांच पड़ताल के बाद जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मॉड्यूल्स के ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप वाकई सैटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इजाज़त दीजिए, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।